नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोडेल्गो में। आज हम लोग 22nd डे का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब हमारा 22वां दिन होगा ये ट्यूटोरियल का। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने फेवरेट आइकन पर क्लिक करने पे यहाँ पर फेवरेट आइकन का काउंट बढ़ाया था और गेटेक्स कंट्रोलर यूज किया था इसके लिए। आज हम लोग देखने वाले हैं कि ऐड टू कार्ट फीचर कैसे इंप्लीमेंट करना है, और यहाँ पर अगर कार्ट काउंट बढ़ाते हैं और ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो उसको कैसे मेंटेन करने वाले हैं अपने कार्ट फीचर, जो कि कार्ट का सिंबल है, यहाँ पर हम कैसे काउंटर दिखाने वाले हैं। तो ये चीज़ अभी हम आज ये 22nd डे के ट्यूटोरियल वीडियो में देखने वाले हैं, इंप्लीमेंट करने वाले हैं। उसके पहले आप लोग क्या कर देंगे, मैं लास्ट ट्यूटोरियल वीडियो में भूल गया था कि हमने ब्रांच नया नहीं बनाया था, तो आप लोग नया ब्रांच बना देंगे। मैं day 22 बना देता हूँ, आप लोग भी बना दीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला काम हमें क्या करना है, फर्स्ट थिंग कि हमारा जो काउंटर है, ये जो भी काउंट हो रहा है उस पे जो काउंट जब हो जाता है, उसके बाद जब ऐड टू कार्ट पे क्लिक होता है, इस वाले बटन पे जब क्लिक होता है तो हमारा यहाँ पर काउंट दिखाना चाहिए कि कितने आइटम हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये करनी है, तो चलिए इसको करते हैं। फेव आइकन हमारा ओपन है, इसको मैं बंद करता हूँ। मेरे पास कंट्रोलर पहले से ही है, कार्ट कंट्रोलर नाम से, जहाँ पर हमने ऐड आइटम और रिमूव आइटम किया था। इस आइटम क्वांटिटी पे क्लिक करने पे, माइनस और प्लस पे क्लिक करने पे ये फंक्शन हमने कॉल किए थे। अब क्या करते हैं हम लोग, हमारा पहला जो काम है वो ये है कि जब हम इस पे क्लिक करते हैं और ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर काउंटर आना चाहिए। ठीक है, तो ऐड टू कार्ट का हमने पेज बना रखा है, लास्ट वीडियो में ही बनाया था, और इसके क्लिक इवेंट पे अभी हमने कुछ नहीं किया था, ये ब्लैंक है हमारा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्लिक इवेंट में हम क्या करेंगे, हमारा कार्ट का कंट्रोलर हमें कॉल करना पड़ेगा। और जैसा कि आपने देखा होगा, हमने मेन में ऑलरेडी कार्ट कंट्रोलर इनिशियलाइज कर रखा है, डिपेंडेंसी ऐड कर रखा है, या आप देख सकते हो। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर केवल फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कार्ट कंट्रोलर, सॉरी कार्ट काउंटर नहीं, कार्ट कंट्रोलर होगा। कार्ट कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट फाइंड, सॉरी ये चीज हमने कर लिया, और कॉन्स्टेंट हम हटा देंगे यहां से। तो गेट डॉट फाइंड कर लेंगे, हमें कार्ट कंट्रोलर मिल जाएगा। अब ऑन टैब पे हमें क्या करना है, ऑन टैब पे हमें कार्ट कंट्रोलर में एक मेथड बनाना है, एड आइटम इन कार्ट, ये हम कॉल कर लेंगे। ठीक है, अब ये मेथड अभी बना नहीं इसलिए एरर आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पे ले चलते हैं और येलो बल्ब पे कॉल क्लिक करेंगे, क्रिएट मेथड करेंगे, और ये क्रिएट हो जाएगा आपके कार्ट कंट्रोलर में, एड आइटम इन कार्ट। अब आइटम क्या ऐड करना है, आइटम अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो आइटम ऐड होगा वो ये होगा, इसका टाइप होगा मतलब प्रोडक्ट, आप क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट ही ऐड होने वाला है। ठीक है, मैंने ऐड रिक्वायर्ड कर दिया, यहाँ पर जाएंगे तो ये प्रोडक्ट मॉडल टाइप का प्रोडक्ट ही ऐड होने वाला है हमारे आइटम कार्ट में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड कर देते हैं। हम क्या करेंगे, एक ऐड करने के लिए एक हमें चाहिए लिस्ट, और लिस्ट का नाम रखेंगे कार्ट आइटम्स, इसका टाइप होगा लिस्ट और ये होगा ऑब्जरेबल टाइप का। और लिस्ट में इसका हम टाइप देंगे प्रोडक्ट मॉडल, प्रोडक्ट मॉडल टाइप का होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कार्ट आइटम्स डॉट ऐड, और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आएगा हम उसे ऐड कर देंगे। डन, इतनी चीज हो गई। अब हम क्या करते हैं, तो ये हमने ऐड कर दिया, और हर बार ऐड करने के बाद, जैसा कि मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था कि नंबर ऑफ आइटम्स जो होगा हमारा, नंबर ऑफ आइटम्स डॉट वैल्यू इक्वल टू, हम इसे सेट करेंगे 1 पे। ठीक है, जैसे ही आइटम ऐड हो जाएगा ये फिर से यहाँ पर 1 हो जाना चाहिए, ये चीज हो गई।
अब ऐड कर देते हैं, ऐड का कॉल, ऐड का कोड हमने लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर दिखाना भी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स पे चलेंगे, और प्रोडक्ट डिटेल्स में यहाँ जो टेक्स्ट 0 रखा है, इसको पहले हम रैप करेंगे OBX से। और इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे, अभी नहीं मिलेगा मुझे क्योंकि अभी मुझे कॉल भी करना पड़ेगा पहले, कार्ड कंट्रोलर, कार्ड कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट फाइंड, ये कर लिया हमने। अब आ जाते हैं नीचे और यहाँ पर सॉरी, कार्ड कंट्रोलर डॉट नंबर ऑफ आइटम्स डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, सॉरी टू स्ट्रिंग, डन हो गया ये। एक बार फिर से देख लें, नंबर ऑफ आइटम्स है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि जो नंबर ऑफ आइटम्स रहेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब एक बार इसको हम रन कर देते हैं, अभी रन नहीं किया हुआ है, तो ये रन हो गया। अब क्या करते हैं, चलते हैं ग्रीन वाले में, और आप देखोगे यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि जैसे हमने रन किया तो डिफॉल्ट ये 1 है, तो इसलिए 1 आ गया। तो अब इसके लिए भी हमें कंडीशन लगाना पड़ेगा कि डिफॉल्ट जब 1 रहे तो 1, डिफॉल्ट जो 1 है वो 1 ना दिखे वहां पे, एटलीस्ट 0 दिखना चाहिए। जब ऐड टू कार्ट पे क्लिक हो तभी 1 दिखे, तो आई थिंक हमने क्लिक कर दिया था एक बार ऐड टू कार्ट पे, इसलिए वो 1 दिख रहा है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसको। ओके, तो प्रॉब्लम ये है, मैंने यहाँ पर क्या किया है, अगर आप भी देखोगे मैंने नंबर ऑफ आइटम्स को असाइन कर दिया, एक्चुअली नंबर ऑफ आइटम्स को नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर मुझे इसके लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, वेरिएबल टोटल क्वांटिटी, ठीक है, और ये रहेगा 0 बाय डिफॉल्ट, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स जो हमने लिया था वो हमने लिया था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए, और ये टोटल क्वांटिटी होगी जो यहाँ पर सेट होगी। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी हमने 0.obs कर लिया, ऑब्जर्वेबल बना लिया। अब कार्ट आइटम में जब आइटम ऐड हो रहा है उसी टाइम टोटल क्वांटिटी डॉट वैल्यू इक्वल टू हमारे पास जो पहले से टोटल क्वांटिटी होगी उसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आइटम जो होगा, नंबर ऑफ आइटम्स डॉट वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, टोटल क्वांटिटी हमारी जो पहले मान लो फॉर एग्जांपल 0 है, अब तो 0 आ गई। अब नंबर ऑफ आइटम्स जो होगा जब ऐड पे क्लिक होगा, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी ने 2 कर दिया, तो जब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो 0 और +2 तो टोटल यहाँ पे 2 दिखाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे प्रोडक्ट डिटेल पर, और ये ना लेते हुए नंबर ऑफ आइटम टोटल क्वांटिटी लेंगे, बस इतना ही चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। तो अभी 0 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने इसको 3 लिया और ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर 3 आ गया, अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे 3 आ गया। मैं इसको 3 और कर देता हूँ, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो 6 हो गया, तो 3 और 3 6 हो गया, ठीक है। इस पे चलते हैं, अभी ये 6 है, इसको 2 कर दिया और ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया तो 8 हो गया, ठीक है। और भी देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस पे चलते हैं, 8 है और ये 1 है, और मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये 9 हो गया। तो ये चीज़ है, इसलिए यहाँ पर मैंने टोटल क्वांटिटी लिया और टोटल क्वांटिटी में हमने नंबर ऑफ आइटम्स की वैल्यू को असाइन कर दिया। अब एक चीज़ और आप देखो, जो मैं कह रहा था, मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था कि नंबर ऑफ आइटम्स ये जो हमारा था, अगर हम ये नहीं कर रहे थे, 1 नहीं कर रहे हैं, तो जो रहता था मान लो आपने यहाँ पे 5 किया तो ये 5 4 रह जाता था, अगर 4 करके मैं वापस जाता हूँ फिर आता हूँ तो 4 रहता था, बट यहाँ पे अगर आप वापस जाते हो और यहाँ पर आते हो तो इसको कहाँ गया, ये है अभी, ये 4 ही है, ठीक है। यही मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, ये देखो ये 4 ही है, तो ये 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये 1 होना चाहिए, यही मैं एक्सप्लेन करने को सोच रहा था। मैंने सोचा था कि शायद मैंने कर दिया बट अभी नहीं किया है, अभी 4 है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसलिए ये 4 है क्योंकि हमने ऐड टू कार्ट पे क्लिक नहीं किया, अब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तभी ये 1 होगा, ठीक है, ये तभी 1 हो रहा है जब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे। बट हमको क्या करना है, हमको ये भी करना है कि अगर ये यहाँ से वापस से इधर आता है, इस वाले पेज पर वापस से आता है, तो भी ये 1 ही रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पेज जब इनिशियलाइज हो रहा है, मतलब कि जब हम डिटेल वाले पेज पर जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल करेंगे,
और उसमें हम क्या करेंगे, इसको वन कर देंगे। जो ये डेटा फोर सेट है इसको हम वन करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये इनिशियलाइज तो हमारा मेन में हो रहा है कार्ट कंट्रोलर, तो हमको कोई मेथड ही कॉल करना पड़ेगा। तो मेथड यहाँ पर मैं बना देता हूँ, मेक वाइड, मेक काउंटर और क्वांटिटी, मेक क्वांटिटी वन, या इनिशियलाइज क्वांटिटी कर देते हैं, इनिशियलाइज क्वांटिटी। और ये जब भी कॉल होगा तो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ आइटम्स डॉट वैल्यू, ये हमारी वन होगी। अब ये कॉल कहाँ करना है, ये कॉल तब करना है जब हम आइटम कार्ट पे जाके इस पे क्लिक करते हैं और हम इस पेज पर आते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, अपने आइटम कार्ट पे जाना पड़ेगा। आइटम कार्ड हमारा ये है और यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हम कब भेज रहे हैं, अगले वाले पेज में कार्ड डिटेल में हम कहाँ भेज रहे हैं, थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये टेक्स्ट है, ठीक है, ये हीरो लगा हुआ है, ओके। तो आई थिंक नहीं, ये तो टैग लगा हुआ है कहीं, यही क्लिक क्लिक हैंडलर होगा, ठीक है। ये क्लिक हैंडलर में चलते हैं, ओके, कार्ड हैंडलर। तो ये मतलब आइटम कार्ड जहाँ पे कॉल हुआ होगा वहाँ से ये हैंडल हुआ होगा, ठीक है। तो कार्ड पेज पर चलेंगे, ये है प्रोडक्ट डिटेल पेज। प्रोडक्ट डिटेल पेज पर हम यहाँ पर भेज रहे हैं, तो जब हम गेट डॉट टू कर रहे हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज, इसी टाइम पर हमें कॉल करना पड़ेगा। क्या कॉल करना पड़ेगा, इस कंट्रोलर को, डिटेल कंट्रोलर को, और इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो प्रोडक्ट डिटेल पेज में मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं कर सकूँ, कार्ट कंट्रोलर तो मुझे मिल रहा है, डॉट इनिशियलाइज्ड क्वांटिटी, सबसे पहली चीज यही चीज हमें करनी है। तो ये वन हो गया, अब आइए देख लेते हैं एक बार। मैं यहाँ गया, चार किया, वापस आया और फिर गया, तो वन हो गया। तो यही चीज करनी थी, ठीक है, ये इनिशियलाइज क्वांटिटी कर दें। एक बार कमेंट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इनिशियलाइजिंग क्वांटिटी हेयर सो इट बिकम वन आफ्टर गोइंग बैक फ्रॉम डिटेल पेज, ठीक है। ये चीज डन हो गई, ये चीज समझ में आ गई। अब चलते हैं पीछे, ये सारी चीजें हो गई हमारी, आइटम कार्ड हो गया, कार्ड पेज हो गया, ये सब बंद कर देते हैं, कार्ड कंट्रोलर पे रहते हैं और ऐड टू कार्ड पे रहते हैं, दो चीजें हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमारे, अगर मैं टू कर दूँ, सॉरी टू कर दूँ और इस पे क्लिक करूँ तो ये 11 हो जा रहा है। चलिए अभी इसमें बहुत ही एक अच्छी चीज आने वाली है, आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी मैं एकदम जंप करके नहीं बताने वाला, नहीं तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। मैं पहले वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, हमने ऐड कर दिया, क्वांटिटी सेट कर दी, नंबर ऑफ आइटम वन कर दिया और इनिशियलाइज वाला भी पार्ट हमने कर दिया, ओके। अब क्या करते हैं, इस पे ना क्लिक इवेंट लगाते हैं और हमने जो चीज़ बनाई है, सॉरी जो चीज़ हमने ऐड करी है उसकी लिस्टिंग देखते हैं, ठीक है। चलिए इस पे काम करते हैं। तो ऐड टू कार्ट, ये हमारा हो गया, इससे अब हम बंद करते हैं, ऐड टू कार्ट हो गया काम। अब हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट डिटेल्स में, कार्ट कंट्रोलर, ठीक है, ये तो कंट्रोलर्स है, कंट्रोलर्स में नहीं, सॉरी, यहाँ पर आते हैं ऐड टू कार्ट में। ऐड टू कार्ट हमारा हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर से मैं क्यों ओपन कर रहा हूँ। हमको चलना है नॉट इन कंट्रोलर, डिटेल्स पेज में, सॉरी प्रोडक्ट डिटेल में, और प्रोडक्ट डिटेल में ये वैल्यू यूज नहीं हो रही है, बंद कर देते हैं। प्रोडक्ट डिटेल में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बैज है, ठीक है, ये वाला बैज 11 दिखा रहा है, इसका जो पेरेंट है वो है ये पैडिंग। इस पैडिंग को हम क्लिकेबल बनाते हैं और इसके क्लिक पे हम नई क्लास में चलते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम रैप करते हैं एक विजिट से, इसका नाम देते हैं इंकवेल और लगाते हैं ऑन टैब।
डन, इतना हो गया। अब ऑन टैब पे हम क्या करेंगे, एक पहले पेज बनाएंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर एक फोल्डर, कार्ड, लिस्ट डॉट, सॉरी कार्ड लिस्ट केवल एक फोल्डर है, तो कार्ड लिस्ट, और कार्ड लिस्ट के अंदर एक फाइल, कार्ड लिस्ट डॉट डॉट। ठीक है, पहली लाइन इंपोर्ट मटेरियल, दूसरी लाइन स्टेटलेस कार्ड लिस्ट, डन है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, कार्ड लिस्ट में हम लोग इसका फोल्ड ले लेते हैं अभी के लिए, और बॉडी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे फोल्डर लेते हैं कंपोनेंट, और हमारे पास आपको याद होगा हमने कुछ बैकग्राउंड्स बनाए थे लॉगिन और इन सब के केस में, तो मैं बैकग्राउंड कॉपी कर लेता हूँ, और यही बैकग्राउंड मैं अपने कार्ट लिस्ट के कंपोनेंट में चल के पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, कॉपी करना था मुझे, कॉपी नहीं किया, कॉपी और कार्ट लिस्ट में पेस्ट, नाम बदल देंगे, लिखेंगे इसका नाम कार्ट लिस्ट बैकग्राउंड, और यहां पर भी कार्ड सी कैपिटल कार्ड लिस्ट बैकग्राउंड, बस और कुछ नहीं करना है, इसको बंद कर दीजिए। कार्ड लिस्ट में चलते हैं, बॉडी में कार्ड लिस्ट बैकग्राउंड, चाइल्ड में अभी के लिए टेक्स्ट, और टेक्स्ट में कुछ लिखना नहीं है, हेलो लिख के छोड़ देना है, हम पहले इसको देखने वाले हैं कि ये होता क्या है, कॉन्स्टेंट। अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट डिटेल में चलते हैं, और यहाँ पर गेट डॉट टू, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉल कार्ट लिस्ट, डन हो गया, कार्ट लिस्ट हमने कॉल कर लिया। अब इस पे क्लिक करते हैं तो ये आ गया। अब जो यहाँ का मेन काम है हमारा वो ये है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब हमने क्लिक किया तो हमारी जो लिस्टिंग है, जो आइटम ऐड हुआ, वो वहाँ पे लिस्ट होना है, ठीक है। तो उसमें एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसलिए मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ आपको करके, बार ले लेता हूँ, टाइटल दे देता हूँ, आइटम लिस्ट, ठीक है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, कलर ट्रांसपेरेंटी ठीक है, टाइटल भी ठीक है, मैं क्या करता हूँ लीडिंग ले लेता हूँ, खुद का भी आइकन दे देते हैं लीडिंग, और लीडिंग में SVG पिक्चर्स मेरे पास आइकन है डॉट एसेट, और यहाँ पर एसेट में बैक आइकन होगा एक बैक बटन का, ये वाला, वो वाला मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पर क्या करते हैं स्लैश चेंज कर देते हैं, सॉरी ये ठीक है, बहुत बड़ा सा दिख रहा है, और क्या करते हैं इसका कलर बदल देते हैं, कलर कलर्स डॉट वाइट, और क्या बचता है इसमें, यहाँ से मैं बाहर आऊँ तो ऑन प्रेस लगाना पड़ेगा, सॉरी लीडिंग में ये चीज़ हो गई, ओके लीडिंग में मैंने गलत किया है, गलत मैंने ये किया है कि लीडिंग में आइकन लेना होता है, सॉरी लीडिंग पहले ये लिस्ट टाइप का होता है, मैंने यहाँ पर ये ले लिया, तो इसको मैं क्या करता हूँ आइकन बटन में कन्वर्ट कर देता हूँ, रैपिड विजिट आइकन बटन, ठीक है,
और आइकन बटन लिया है तो हमें लेना पड़ेगा ऑन प्रेस्ट, ऑन प्रेस्ट। और यहाँ पर क्या आ रहा है, चाइल्ड, चाइल्ड इज नॉट डिफाइंड। ओके, हाँ, क्योंकि चाइल्ड नहीं डिफाइन होगा क्योंकि आइकन बटन में चाइल्ड नहीं होता है, यहाँ पे पैरामीटर होता है आइकन का, तो ये मैं आइकन कर देता हूँ, बस इतना चीज करना है। अब क्या करते हैं, ये ऐप बार को मैं बाहर निकाल देता हूँ, एक अलग फंक्शन में डाल देता हूँ, एक्सट्रैक्ट मेथड कर देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ बिल्ड ऐप बार। ये आ गया बिल्ड ऐप बार, ठीक है, तो ये अलग ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और आइटम लिस्ट है, इसका भी टेक्स्ट स्टाइल मुझे बदलना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा दिखने लग जाए, कलर, कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। आइटम लिस्ट ये भी मैं बेसिक ऐसे डिजाइन करके छोड़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कॉन्स्टेंट, और फिर से रन करना पड़ेगा। तो ये रन हो गया, अब एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, आइटम लिस्ट आ गया और हेलो आ गया। तो अब यहाँ से बैक पे हमें ऑन प्रेस पे हमें हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो इम्प्लीमेंट कर देते हैं गेट डॉट बैक, बस इससे क्या होगा, बैक आ जाएगा, जो आपका नेविगेटर डॉट पॉप काम करता है वही गेट डॉट बैक काम करता है। तो अब हम लोग क्या करने वाले थे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि मैंने चार ऐड कर दिया, तो यहाँ पे चार आ गए, तो ये चारों को यहाँ पे दिखाना है, ठीक है, लिस्टिंग करानी है इनकी चारों की। तो लिस्टिंग कराने के लिए हम क्या करेंगे, मैं एक्चुअली काम करता हूँ बैकग्राउंड का काम, चलो रहने दो। तो लिस्टिंग कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं टेक्स्ट के बजाय लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है, कॉन्स्टेंट हटाना पड़ेगा, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, आइटम बिल्डर, और आइटम बिल्डर के अंदर कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स, डन, इतना हो गया। और इसके अंदर हमें कुछ रिटर्न कराना पड़ेगा, तो मैं अभी के लिए रिटर्न कार्ड लिख लेता हूँ, अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में हम लोग आइटम बिल्डर ले चुके हैं, यहाँ पर आइटम काउंट ले लेते हैं, आइटम काउंट, आइटम काउंट हमें कहाँ से मिलेगा, कार्ट कंट्रोलर से, तो कार्ट कंट्रोल पहले हमें यहाँ पर गेट करना पड़ेगा, कार्ट कंट्रोलर, कार्ट कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट फाइंड, क्योंकि हमारा डिपेंडेंसी ऐड है मेन में ही, तो हमें फाइंड करना है, कॉन्स्टेंट हटाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कार्ट कंट्रोलर डॉट, हमारे पास क्या नाम है, कार्ट लिस्ट, कार्ट आइटम, सॉरी, डॉट लेंथ, इससे मिल जाएगा हमें लेंथ और ये मिल जाएगी इंडेक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, कार्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर पहली चीज तो करंट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो वेयर करंट आइटम इक्वल टू कार्ट काउंट कंट्रोलर डॉट कार्ट आइटम्स और इसमें इंडेक्स, इसका हमें इंडेक्स चाहिए, ठीक है, इससे हमें मिल जाएगा करंट। अब चलते हैं कार्ड में, कार्ड में हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं इसके अंदर एक चाइल्ड लेते हैं, पहले चाइल्ड में रो लेते हैं, रो में चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में, सॉरी, चिल्ड्रन में हम क्या ले लेंगे, इमेज डॉट एसेट करेंट आइटम डॉट इमेज, इससे हमें इमेज मिल जाएगी, देखते हैं, ये मिल गई इमेज, और इसका विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसका विड्थ हम थोड़ा सा कम कर देंगे, विड्थ मान लो मैं दे देता हूँ 50, ये छोटा हो गया, 100 दे देते हैं, ठीक है, 100 दे दिया, ये चीज़ हो गई। अब क्या करेंगे, कुछ कार्ड पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं, जैसे कि
कार्ट पे प्रॉपर्टी ये लगाते हैं कि क्लिप बिहेवियर प्रॉपर्टी होती है, तो क्लिप डॉट नन कर देते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, कलर ले सकते हैं, कलर्स डॉट पर्पल। ठीक है, ये कार्ड हमारी बन गई भाई। बस आपको दिखाने के लिए, इसमें डिजाइन ओरिएंटेड नहीं है, फीचर दिखाना चाह रहा हूँ मैं। इसके लिए हम ये कर रहे हैं, और इसमें हम मेन एक्सेस अलाइनमेंट ले लेते हैं, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। अभी के लिए सेंटर में आ गए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अब क्या करते हैं, ये आइटम आ गया, इसकी और भी प्रॉपर्टी है वो भी डाल देते हैं यहाँ पर। तो और क्या चीज़ हम डाल सकते हैं चिल्ड्रन में, यहाँ पर अब हम लेते हैं कॉलम, कॉलम में भी चिल्ड्रन, और इस चिल्ड्रन में हम लेते हैं पहला चीज तो टेक्स्ट लेते हैं। टेक्स्ट में हम डालते हैं क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी। और क्वांटिटी में यहाँ पर अभी के लिए मैं क्या दिखा सकता हूँ, डॉलर कार्ट कंट्रोलर डॉट टोटल क्वांटिटी कितनी होगी इसकी, वो दिखा सकते हैं। तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी करके है एक, तो इसको मुझे पहले इस कर्ली ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। अब मैं यहाँ दिखा सकता हूँ टोटल क्वांटिटी डॉट वैल्यू, क्वांटिटी 4, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर किया, इसको स्पेस बिटवीन कर देते हैं ताकि इसके बीच में स्पेस हो जाए, ठीक है। ये स्पेस हो गया, क्वांटिटी 4 आ गया। अब क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा पैडिंग दे देता हूँ, और पैडिंग में 8 ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर आते हैं लिस्ट व्यू बिल्डर को भी, अभी रुक जाइए और आइटम ऐड करें फिर देखते हैं। तो मैं बैक आता हूँ और इससे भी बैक आता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, इसको ऐड करते हैं, 3 ऐड किया मैंने, ठीक है। अब टोटल 7 हो गया, 7 7, दोनों 7 7 आ रहा है, क्योंकि टोटल क्वांटिटी हमारा एक ही चीज है जो कि दोनों जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये चीज सॉल्व करना है, और देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। अभी मैंने 4 और ऐड कर दिया, टोटल 11 हो गया। तो यहाँ पे तीनों जगह पे 11 11, ये समझ में आता है तीनों जगह 11 11, क्योंकि हमने टोटल क्वांटिटी ली हुई है और तीनों के केस में सेम है। और एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो क्या हुआ कि ये हमने एक बार ऐड किया तो ये आ गया, दोबारा हमने इसको ऐड किया फिर ये आ गया, और तीसरी बार हमने सेम प्रोडक्ट को ऐड किया तो तीसरी बार भी सेम ही आ गया। अब यहाँ पे कॉमन चीज ये होती है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट मोर देन वन टाइम ऐड करते हैं तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होनी चाहिए, ना कि उसकी लिस्टिंग इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी तो ये कॉमन क्वांटिटी आ रही है, वो तो हमें सेट करना ही है अलग अलग सबके लिए, प्लस यहाँ पर ये प्रोडक्ट भी रिपीट हो रहा है तो ये रिपीट नहीं करना है। तो इसके लिए हमें कंट्रोलर में काम करना पड़ेगा, जहाँ हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर हमें काम करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कंडीशंस लगाने पड़ेंगे और चेक करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट फिर से सेम प्रोडक्ट तो नहीं ऐड हो रहा है जिससे वो रिपीट ना हो, उसी में अपेंड हो जाए। अगर पहले से एडेड है, अगर मान लो ये पहले से एडेड था, तो ये इसी में अपेंड होना चाहिए, ना कि ये अलग आना चाहिए। आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। अभी आज हमने ऐड टू कार्ट का काम किया, इस वाले बटन का काम किया, या और यहाँ पे कार्ट पे काउंटर दिखाया, और कार्ट पे क्लिक करने पर लिस्टिंग दिखाई, एक बेसिक सी लिस्टिंग है, अभी ये फाइनल लिस्टिंग नहीं है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसे देखने वाले हैं कि ये इसको प्रॉपर कैसे करना है, वो फाइनल लिस्टिंग अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।